What is the reality of astrocytes? These are basically star-shaped cells जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं। इन सेल के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जब भी इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करना। एस्ट्रोसाइट का एक काम और होता है, टू रेगुलेट योर स्लीप। अब ये चीज जब साइंटिस्ट को पता है तो वो अपनी रिसर्च में कैसे पीछे रह सकते थे। सो दे बेसिकली फाउंड आउट अ वे फॉर ह्यूमंस टू गो विदाउट स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स। साइंटिस्ट ने क्या किया, दे बेसिकली टुक माइस और उनके अंदर कीमोजेनेटिक्स के थ्रू जो ब्रेन में सिग्नलिंग पाथवे होते हैं उनका कंट्रोल और मेथड वगैरह उन्होंने स्टडी किया। और जब उन्होंने इन एस्ट्रोसाइट्स को माइस के अंदर स्टिमुलेट किया तो उनको ये चीज पता चली कि उन्होंने ये चीज जिन माइस के ऊपर किया था वो अपने कंट्रोल पीयर से कंपैरेटिवली कम सो रहे थे और उनको इन जनरल इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। बट द थिंग इज कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। तो अगला स्टेप जो साइंटिस्ट के लिए रहने वाला है वो ये है कि बेसल फोरब्रेन एस्ट्रोसाइट्स को इस बार जब एक्टिवेट करेंगे तो स्लीप के साथ में कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को भी नोटिस किया जाएगा, अटेंशन, कॉग्निशन, लर्निंग, मेमोरी और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम भी।